हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल देसी ब्लॉगर ललिता मीणा में वेलकम करती हूँ। मैं ललिता मीणा और उम्मीद करती हूँ कि आप सब मजे में होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी फैमिली के साथ अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। और आज बना रही हूँ मैं दाल बाटी। शाम का टाइम है ये, तो दिन में मैंने सिर में मेहंदी लगा ली थी, इस वजह से बाल अभी मेरे गीले हैं, इसलिए खुले हैं। तो बाटी का आटा लगा रही हूँ और देखिए मेरा आज का ब्लॉग। और मैं भी बना लेती हूँ अभी खाना, क्योंकि शाम हो रही है और कल है 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, तो फटाफट से खाना बना के मैं लाइटिंग देखने जाऊंगी बच्चों के साथ बाहर, तो इस वजह से बना रही हूँ मैं जल्दी 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 खाना। ये लग गया है आटा बाटी का। बाटी के आटे में मैंने जो थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, एक चम्मच बेकिंग पाउडर है, एक चम्मच ही धनिया है उसमें, और थोड़ी सी अजवाइन है, सौंफ है और साबुत धनिया है, ये चीज़ें मैंने उसमें मिक्स करी है, और हल्दी है एक चम्मच। उसकी वजह से बाटी का कलर येलो सा थोड़ा अच्छा दिखता है, इस वजह से ये मैंने डाला है और फटाफट से बना लूँगी। और बाटी इसी तरीके से बनती है जैसे आपके यूपी बिहार में लिट्टी चोखा बनता है और उनके अंदर मसाला भरा जाता है, लेकिन हमारे प्योर आटा होता है और थोड़ा सा रोटी के आटे से सत गुत्ते हैं इसको, और इसमें जो भी मसाले डलते हैं, मैंने वीडियो बनाया ये आटा, और टाइम तो लगता है आधा पौन घंटा, आधे घंटे में सिक जाएगी बाटियां अगर यहीं पे खड़े खड़े मैं इनको बार बार संभालती रहूंगी और देखती रहूंगी, जलने नहीं दूंगी, तो सिम पे नहीं करूंगी, तो मीडियम आंच पे सेकूंगी, तो आधे घंटे में बनके तैयार हो जाएगी मेरी बाटियां। और इसी तरीके से मैं सारी बना दूंगी, बार बार इसी तरीके से इनको उल्टा सीधा करते रहना है ताकि अच्छे से सिक जाए और जले नहीं। इसीलिए इनको मतलब कम से कम 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट में बार बार घुमाना पड़ता है ताकि कहीं एक जगह से ज़्यादा आंच की वजह से जले नहीं। और यहाँ पे मैं चढ़ा रही हूँ दाल, तो इसमें मैंने डाली है काली उड़द वाली दाल, और इसी में मिक्स कर दूंगी मैं थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा नमक, और टमाटर भी काट के मैं इसी के अंदर डाल दूंगी ताकि अच्छे से पक जाए, और बाद में अगर मसाला पका के थोड़ा सा उबाल आने के बाद ही बंद कर दूँ तो टमाटर कच्चे नहीं रहे। इसकी वजह से मैं जब भी दाल बनाती हूँ मैं दाल के अंदर ही टमाटर जब बॉईल रखती हूँ तभी रख देती हूँ, मतलब कट करके डाल देती हूँ। और अब चढ़ा दूँगी मैं दाल, और साथ के साथ ही मेरी बाटियाँ भी बनती जा रही है और दाल भी बन जाएगी, मसाले मैं साथ ही तैयार कर रही हूँ, तो फटाफट से जैसे ही बाटियाँ बनेगी मैं जो तड़का लगा दूँगी। और तड़का लगाने के लिए मैंने डाल दिया है घी थोड़ा सा, और उसमें ये तेज पत्ता, लौंग, काली मिर्ची, धनिया, जीरा और दो साबुत लाल मिर्ची है, तो ये थोड़ी सी ब्राउन हो जाएगी तब मैं जो भी हरी मिर्ची, प्याज है उनको डाल दूँगी। ये मैंने कूट लिया था, और बहुत ज़्यादा मैंने इसको बारीक नहीं कूटा है, हल्का सा ही कूटा है माम दस्ते में। टेस्ट में काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है, अगर मिक्सी ग्राइंडर में निकालो तो मुझे टेस्ट उसका अच्छा नहीं लगता है, तो मैंने माम दस्ते में कूट लिया था। और ये बाटियाँ बन चुकी है, अच्छे से सिक चुकी है, और इनकी यही पहचान है कि ये फटने लग जाती है, अगर बाटियाँ सिक गई तो पूरी फटने लग जाती है। जब भी ऐसा लगे तो बंद कर देना चाहिए गैस। और इधर मेरे मसाला डाल दिया है मैंने दाल का पकाने के लिए, और साथ के साथ ही बाटियों में भी घी लगाना था तो मैंने निकाल लिया, और सर्दी की वजह से काफ़ी जमा हुआ था तो मैंने थोड़ा सा गर्म कर लिया है घी को ताकि अच्छे से बाटी इनमें डिप हो जाए। और ये पक चुका है मसाला दाल का, साथ के साथ ही सारे काम हो जाए किचन में तो फटाफट निपट जाते हैं, एक एक काम करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। और मसाला पकने के बाद ये जो उबली हुई दाल थी मैंने इसमें मिला दी है, और थोड़ा सा मैं इसको 5-1 मिनट उबलने दूंगी, उसके बाद गैस बंद कर दूंगी क्योंकि पहले ही दाल उबल चुकी है और मसाला भी अच्छे से पक चुका है। और बाटी को अब मैं कर रही हूँ घी में, और बहुत ज़्यादा तो नहीं लगा रही हूँ मैं घी, फिर भी इतना तो लगाना ही पड़ता है तभी जाके दाल बाटी में टेस्ट आता है, बाकी हल्की हल्की अगर बाहर बाहर से घी लगा हुआ है तो बाटी में वो टेस्ट नहीं आता है। और इस तरीके से आप लोग भी दाल बाटी बना के देखिए, बहुत टेस्टी लगती है, और राजस्थान की एक तरह से फेवरेट रेसिपी में से एक है ये दाल बाटी, और साथ में अगर बेसन गट्टा और चूरमा हो तो फुल प्लेट है ये।
और ये लग चुकी है थाली, इसमें थोड़ी सी सलाद नींबू ये रख दिया, और वो बाटी है तो बहुत ज़्यादा घी मैंने नहीं लगाया, बाटी में हल्का ही है। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए दाल बाटी, और कैसी लगी ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। ये हो चुकी है इधर लाइटिंग, जो भी ऑफिस वगैरह है यहाँ पे, तो जो भी गवर्नमेंट ऑफिस है उनमें लाइटिंग होती ही है, तो वही देखने में आई थी। और घर के आसपास ही है तो मैंने सोचा खाने से भी फ्री हो चुके हैं तो देख के आते हैं, थोड़ा घूम के आते हैं। बहुत अच्छा लगा कि वैसे घरों में तो नहीं होती है ऐसे रिपब्लिक डे पे लाइटिंग, पर जो भी सरकारी ऑफिस है, गवर्नमेंट ऑफिस जो भी है, तो उनको मतलब ज़रूरी ही समझते एक तरीके से, और करना भी चाहिए, इतना बड़ा दिन है हमारे देश के लिए। तो सबको हैप्पी रिपब्लिक डे, जय हिंद जय भारत।